कोई गलती सकती हो तो अपना बच्चा समझ के माफ करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आज इस पावन दिन को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस महान मूर्ति के दर्शन हैं। एक रानी गोपीचंद के इतिहास से बताते हैं, जब उस गोपीचंद ने जोग लिया तो गुरु गोरखनाथ जी के डेरे में रहने लग गया। काफी दिन हो गए रहते सहते। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी से गोपीचंद पूछने लगा कि महाराज मेरा जोग सफल कब होगा। बोले भाई मेरे मुख से सच्ची वाणी होगी और तेरा पट्टम दे दे मां कहकर भिक्षा लेनी होगी। कैसे कोई अपनी ब्याई में मांग, लेकिन वो अपने गुरु के आदेश का पालन करके उस पट्टम दे के महल के नीचे चला जाता है और वहां जाकर के अलग जगाई। इस तरह क्या सवाल जवाब है, क्या बताया ना। और जो आज की ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में हो रही है, राव म्यूजिक हरियाणवी के नाम से ये इनका चैनल है। आपको एक हफ्ता मजा आएगी भाई, एक हफ्ते के अंदर आप YouTube पे इसको शहीद शिवराम जी के नाम से ही सर्च करोगे, आपको लाइव प्रोग्राम दिखाई देगा। एक बार इन भाई के लिए भी जोरदार तालियां, बड़ा ही सहयोग करते हैं हमारा अशोक जी सिया से, बहुत अच्छे मित्र हमारे और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो क्या आपस में क्या सवाल जवाब है, मित्र क्या है। ये सुबह सुबह कौन आ गया, अरे पिया जी आप, और आपने अपना क्या वेश बना रखा है। मैंने ठीक बना रखा है, मैं साधु हूँ पिया जी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके बिना सारा महल बेरान पड़ा है। आपके लिए बड़ी अच्छे अच्छे भोजन बनाए मैंने, उनको भी तो खाना है आपको, और आपने ये अपना क्या वेश बना रखा, ऊपर आइए महलों में। नहीं नहीं ऊपर नहीं, एक मुट्ठी भिक्षा डाल दे साधु का, साधु के लिए हर प्रतिया माता के समान होती है और हर कोई दूसरा आदमी पिता के समान। आप माता जी थोड़ी सी भिक्षा डालिए ताकि मांगला दरवाजा। पति शर्म नहीं यार, अभी तुम कर था कोई बहु ना माता का है, और अब देख लो क्या करने लग रहे हैं। वो गुरु जी का आदेश था, गुरु जी सुखदेव नाथ जी का आदेश था ना, वो तुम शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत। तू कदे तो बांध का बिस्तर चाल पड़ा है और कदे मोटा पड़ जा, बता मैं किसकी गल है लागू। चिंता ना कर, चल चलते बहुत कोई ना को देख लेंगे। अच्छा। और ये दो मोड बांधे दो लीन रह जाती हूँ। ना ना मैं को नहीं रहूँ। नहीं वो सामने बैठे ना तड़ाओ देख ले। कौन सा, अरे इतना बड़ा रहने दे। अच्छा मेरी बात सुन ले और अपने कर दे। रतड़ खड़ा क्यों रुके मारे, उस तो चढ़ जा जिने पर के दिखे एक मुट्ठी मन भिक्षा दे। Yeah, yeah, yeah.
जी मेरी बात सुन ले, ये मेरी बुद्धि मान गया करे, चार कर पांच का बीच में सपना है जो सच ही निकला करे, और वो सपना आज मेरा सच ही निकला, मेरी बात की दुआ की बात सुन ले। Yeah.
Yeah.